से निकल रहे हैं जाने के लिए। हाँ तो आप लोग देख रहे हो ना कि जैसे कि मैं जा रही हूँ, यहाँ से भी जाने में हमें टाइम लगेगा, वो आपको हम पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा। तो आप देखो ना आगे कैसे मतलब जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो मतलब हम पूरा वीडियो तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर पूरा वीडियो हम निकालने जाएंगे ना तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा रास्ता जो हमें लगता है कि देखने में अच्छा है, नज़ारा व्यू अच्छा है, मतलब हरियाली है, तो हम क्योंकि अभी आप लोग के यहाँ तो बारिश नहीं आई है, पर हमारे यहाँ तो बारिश आ गई है ना, तो देखो रोड कितना गीला है। तो यहाँ पर हरियाली भी आ गई है, क्योंकि मुंबई है, मुंबई में तो सब कुछ अच्छा होता है, चाहे वो मौसम हो, चाहे बरसात हो या ठंडी या फिर गर्मी, तो यहाँ एकदम सब टाइम पे आता है। जैसे अभी जून आया नहीं कि बारिश आ गई, तो अभी मौसम यहाँ का ठंडा हो गया है और बहुत सुहाना मौसम है। तो देखो माता जी का मंदिर आ गया, मेन दरबार यहाँ से देखो माता जी का दिख रहा है, सामने ही देखो माता जी का दरबार, जी दानी मैया का मंदिर दिख रहा है, आप लोग भी देखो। और देखो स्वास्तिक बना हुआ है पहाड़ पे, दिख रहा है ना। और ये देखो माता जी का दर्श मंदिर एकदम पूरा, एकदम जैसे ना यहाँ से देखने के बाद माता जी का मंदिर ना एकदम वैष्णो माता जैसा दिख रहा है। तो आप लोग भी आइए, माता जी का दर्शन करिए। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं अभी हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, तो देखिए कितना मतलब प्यारा, मतलब ऐसा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम पहाड़ी भी दिख रहा है। आगे देखो, देखो जूदानी मैया का मंदिर भी देख रहे हो ना आप, मतलब देखने में तो बहुत नज़दीक है, पर जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना कि आप हमारे घर से भी देखते ना तब भी जूदानी मैया दिखती, पर जाने में तो टाइम तो लगता ही है। तो हमें क्योंकि देखने में पास में दिख रहा है, पर हमें जाने के लिए घूम घूम के जाना पड़ता है ना, इसलिए टाइम लगता है। दोनों लोग आए हैं, छोटा लगे पे ही रुका है। तो देखिए वो सामने माता जी का मंदिर है, वहीं पे हम लोग को जाना है। तो देखिए यहाँ मार्केट लगा है, जो लोग मतलब लौटे हुए हैं वो अपने घर के लिए जा रहे हैं यहाँ से, और हमें जाना है तो हम अपना मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर देखो पहाड़ी पे माता जी का मंदिर है, और ये देखो सब लोग अपने घर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब इधर से ही जाने का रास्ता है और आने ऊपर भी जाने का यहीं से रास्ता है। और यहाँ देखो मंदिर है, ये देखो मार्केट वगैरह सब लगे हुए हैं, तो यहाँ सब अपनी ज़रूरतें की सामान भी खरीदते रहते हैं। और गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो कितना जैसे भी मौसम थोड़ा वैसा हो गया था ना, तो थोड़ा गर्मी भी पड़ने लग गई थी। तो
कैसे अभी देखो सब लोग अपना जो लेडीज को जो सामान लेना है सब अपना ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर सामान मिलता है, चाहे वो मंदिर का पूजा का हो या फिर कोई श्रृंगार का सामान हो या कुछ भी, मतलब एनीवन यहाँ कोई भी सामान आप ले सकते हो। और यहाँ प्रसाद भी मिलता है ना, क्योंकि ऊपर माता जी के लिए हम प्रसाद लेकर जो जाते हैं तो हमें यहीं से लेके ऊपर भी रास्ते में कहीं ना कहीं मिलता रहता है। तो हमें कैसे, हम उससे जाने वाले थे ट्रॉली से, मतलब ट्रेन से जाने वाले थे, तो हमें नीचे से ही सामान लेके जाना था। बाकी जैसे ऊपर भी बहुत जगह सामान मिलता रहता है, तो सब हाय और सब अपना सामान लेते हुए हम यहाँ से फिर जाएंगे। यहाँ से भी देखो सब लोग नीचे उतर रहे हैं और लेडीज लोग जा रही हैं और जो बच्चे भी दौड़ रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ, जब कभी भी आप मुंबई में आओ तो माता जीवदानी मैया का दर्शन करने जाओ। ये जीवदानी मैया में बहुत शक्ति है, आपकी जो भी मन्नत माता रहती है वो जरूर पूरा करती है। ये देखो जीवदानी मैया जी का गेट है, यहाँ से जो पैदल यात्री होते हैं जो माता जी के दरबार में मतलब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पैदल चल के जाते हैं, बहुत लोग ना सीढ़ी पे रुक रुक कर कपूर भी जलाते हुए जाते हैं, जैसे जिसकी मनोकामना रहती है। और ये देखो मुझे ट्रॉली से जाना था तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता हमें डायरेक्ट ट्रेन में बैठते हैं और हम डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाते हैं माता जी के दरबार में। तो मुझे कैसे हिम्मत नहीं हो रहा था पैदल जाने की, मतलब तबीयत मेरी थोड़ा ठीक नहीं है पहले जैसे, तो मैं नहीं जा पाती पैदल, इसके लिए मैं ट्रेन का टिकट यहाँ से काउंटर से हम टिकट लेते हुए फिर हम जाते हैं। यहाँ गणेश भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है और उस मूर्ति को हम दर्शन करते हुए फिर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर वेटिंग रूम है, जैसे जो जो ट्रेन है ऊपर अभी यात्रियों को लेकर गई हुई है, तो जब वो आएगी और वहाँ मतलब कुछ यात्री खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं, जब ट्रेन आती है तो वो बैठ के जाते हैं। और ये देखो यहाँ से हमें माता जी के मंदिर का डायरेक्ट मतलब वहाँ से पिक देखने के लिए वीडियो देखना दिखाया जा रहा है, जिससे यात्री माता जी का दर्शन करते रहे। और ये है गणेश भगवान जी, बहुत बड़ा मतलब मूर्ति बना हुआ है गणेश भगवान का, तो आप इनकी पहले यात्रा गणेश भगवान की मतलब दर्शन करके फिर आप माता जी के दरबार में जाओ। जैसे कि बोला गया माता गणेश भगवान को आशीर्वाद मिला है कि सब भगवान से पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से यहाँ माता गणेश भगवान का मूर्ति लगी हुई है, जिसपे अपना मनोकामना बोल के लोग प्रसाद चढ़ाते हुए फिर अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो मतलब इनका गणेश भगवान का हमने सोचा आपको पूरा अच्छे से मूर्ति का दर्शन करा दें कि गणेश भगवान की मूर्ति कैसी बनी हुई है, मतलब बहुत अच्छी मूर्ति है। और फिर हम इधर से मतलब आगे के लिए हम जाएंगे, फिर वहाँ पे ट्रेन आएगी, हम ट्रेन पे बैठाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको ट्रेन का वीडियो दिखा सकें, पर अगर ऐसा नहीं हुआ। ये देखो माता जी की मंदिर है, मतलब जो माता जी का दरबार मेन दरबार है वहाँ से माता का डायरेक्ट वीडियो का पिक आ रहा है, मतलब वीडियो दिखाया जा रहा है, जिससे यात्री लोग यहाँ बल्कि आप अच्छे से माता जी को देख लोगे, दर्शन भी कर लोगे, क्योंकि ऊपर हमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। तो हमने सोचा कि हम आपको यहीं से वीडियो बना के आपको माता जी का फोटो दिखा देते हैं, तो फिर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए पुजारी जी कैसे माता जी का श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे उनको फूल पहना रहे हैं माला, और निकालते हैं फिर पहनाते हैं फिर निकालते हैं। ये पुजारी जी की किस्मत बहुत अच्छी है, इन्होंने भगवान के यहाँ से अच्छी किस्मत लेकर आए हैं, जो माता जी के इतने करीब रह के माता जी का दर्शन और उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। जिसकी किस्मत बोलते हैं ना, किस्मत वालों को ही ऐसा मतलब भविष्य में इतना करीब माता जी के रहने के अवसर मिलता है, क्योंकि हम लोग को ना देखने के लिए माता जी मिलती हैं पर हम छू नहीं सकते ना इतना पास से। तो ये बहुत पुजारी जी बहुत किस्मत वाले हैं, जो माता जी के इतने करीब रहकर माता जी की सेवा करने का इनको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। भगवान करे सबको ऐसे मिले, हम लोग तो बस यही वीडियो से ही माता जी का दर्शन करने का अवसर मिल सकता है। और ये देखिए हम ऊपर जो ट्रेन है हमारे यहाँ आ गया है, ये देखिए आप आ गया है, तो उसमें हम बैठने की तैयारी करने वाले हैं। बाहर का वीडियो बनाने के लिए ट्रेन का सोचे आते हुए वीडियो बना लेंगे, पर हमें बनाना अलाउ नहीं था क्योंकि सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमें वीडियो नहीं बनाने दिए। अभी हम बैठ गए ट्रेन के अंदर,
तो अभी हम ट्रेन के अंदर, ऐसा कोई रोक नहीं है कि आप वीडियो नहीं बनाओ, तो अभी हम ट्रेन के अंदर जाके वीडियो बना रहे हैं और आपको पहाड़ियों का नज़ारा दिखाएंगे कि जब ट्रेन ऊपर की तरफ जाती है तो कैसा दिखता है। तो अभी देखिए, क्योंकि इसमें बहुत यात्री बैठे हैं और ऐसा है कि हम ट्रेन में जो डिब्बा अलग अलग बना हुआ था, जैसे ट्रेन में नहीं बनता है ये डब्बा लेडीज जेंट्स, ऐसा लेडीज जेंट्स इसमें डिसाइड मतलब नहीं किया गया विभाजन, बट इसमें कैसा है कि फिर भी खाना अलग अलग हुआ है कि इसमें 13 लोग 14 लोग ऐसे इतने लोग बैठेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग बैठे हुए हैं। पर इसमें कैसा, यात्री लोग हम लोग ज़्यादा हो गए थे और सीट कम था, फिर भी हम लोग एडजस्ट करके बैठ गए। और हमारे पास एक दादी जी बैठी हुई थी, देखो भी स्माइल कर रही हैं, खुश हो रही हैं। और आप लोग इंजॉय करिए और पहाड़ियों से माता जी का दरबार का आनंद लीजिए, और जैसा होगा हमें कमेंट करके बताइए आपको दर्शन करके कैसा लगा, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करके मैसेज करके बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, हमारा मेहनत करना सफल हुआ, हमने आपको दिखाया और आपने आनंद लिया। वो देखो सामने से दूसरा, मतलब एक ट्रेन आती है तो एक ट्रेन जाती है, तो उधर से ट्रेन आ रही है और इधर से हमारी ट्रेन जा रही है। तो देखिए, पहाड़ी पर इतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये देखो एक लड़की, वो भी सारा वीडियो बना रही थी, मुझे लगता है ये भी यूट्यूबर है क्या है अभी इन्हीं को पता होगा, तो ये भी वीडियो बना रही थी अपना और हम भी बना रहे थे। और ये देखिए आप बगल से, हम गलती से ना नीचे बैठ गए थे, हमें ऊपर जाके बैठना चाहिए था, तो वहाँ से हम आपको और अच्छे से नज़ारा, देखो बगल से ट्रेन हमारे गुजर रही है, वो देखो वो यात्री को लेने के लिए जा रही है और हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो जाएगी नीचे, वहाँ से पैसेंजर लोग को बैठा के माता जी का दरबार में जो दर्शन करने के लिए आए हैं उनको लेकर आएगी। देखिए इनकी ट्रेन की पटरी कैसे होती, देखो आसमान कितना अच्छा है। और आप देखिए माता जी का, चलिए देखते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको हम माता जी का दर्शन भी करवा सके कि जितना हो सकेगा, जहाँ पे हमें कोई पुलिस नहीं रोकेगा तब तक का हम वीडियो ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हम दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए और अपनी अपनी मनोकामना माता जी से बोलिए, आप जहाँ से भी हो अगर कभी मुंबई आते हैं तो माता जी का दर्शन करने की कोशिश करना, माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, डर तो लगता है लेकिन सब लोग साथ में रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा नहीं लगता, पता नहीं चलता है, लेकिन हम एक ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फिर भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है। आप लोग भी कभी आइए, यहाँ का मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए और माता जी का दर्शन कीजिए। और अच्छा लगता है, ट्रेन में भी बहुत मज़ा आता है। और देखिए कैसे हम लोग अभी पहुँच गए और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के माता जी के दर्शन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। लिफ्ट है ना, लिफ्ट, हम लोग अभी लिफ्ट में बैठे, कैसा है ना, थोड़ी दूर तक माता जी का दरबार है, उसके बाद हमें लिफ्ट से जाना पड़ता है, और इतना बड़ा ये लिफ्ट है कि समझो 10 बाई 10 का एक कमरा होता है ना, उतना बड़ा ये लिफ्ट है, और इतने लोग एक साथ हम लोग लिफ्ट में बैठ गए हैं, मतलब बैठे नहीं खड़े हैं, और खड़े होकर माता जी के दरबार में हम जा रहे हैं। और अभी देखना जब लिफ्ट खुलेगा तब हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक एकदम भर गई है लिफ्ट में, मतलब सांस लेने की जगह नहीं है, एक सरसों भी डालोगे ना तो वो भी नहीं गिरेगा, इतनी पब्लिक एक लिफ्ट में आई हुई है, क्योंकि हम लोग जितने लोग एक ट्रेन में बैठे थे तो 2 लिफ्ट थी ना, तो एक में हम आधे लोग और एक में आधे लोग करके हम लोग पूरा ऊपर जाते हैं। पहले कैसा था, जो हम अभी लिफ्ट में जा रहे हैं जितना ना उतना हमें पैदल चल के जाना पड़ता है, यानी कुछ 250-300 सीढ़ी हमें चलना पड़ता था, लेकिन अभी माता जी के दरबार में आपको एक 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 इंच भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट आपको माता जी के दरबार में, धाम में पहुँचा देते हैं।
तो पहले कैसे जो बूढ़ी लेडीज आंटी वगैरह रहती थी तो उनको दिक्कत होता था। अभी देखो हम पहुंच गए, माता जी सामने मंदिर है, वो जो तोड़ा लगा हुआ है ना वो माता जी ही का मंदिर है। तो ना अंदर पता नहीं मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे, तो मैं जहाँ तक बना पा रही हूँ वहाँ का वीडियो मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ, बाकी नहीं दिखा पाने के लिए सॉरी। अभी क्या करें, नहीं अलाउ है, सुरक्षा को भी मायने रखना पड़ता है, इसीलिए हम अंदर का पूरा नहीं। ये देखो हम ऊपर एक माता जी हैं, उनका मन फोटो बनाए हैं वीडियो, ये देखो माता जी का नाम लिखा हुआ है, आप माता जी का दर्शन करिए। ये आपको ऊपर पहाड़ी पे है, और वो जैसे मेन दरबार जो माता जी का है वो एक फ्लोर है नीचे, और ये माता जी का ऊपर पहाड़ी पे है, वहाँ ये माता जी की मूर्ति है। तो आप यहाँ का दर्शन करिए और माता जी का, और अपनी अपनी मनोकामना बोलिए, माता जी सबकी मनोकामना सुनती हैं। सबकी जिंदगी में जो जीवन में हमें दिनचर्या जो कार्य माँ ने सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है बच्चों का, चाहे वो पालन हो या जीवन की लीला हो, उसे हम अच्छे से निर्वाह करके अच्छे से निभा करके हम अपनी ड्यूटी पूरी करके हमें हम लोग को भी माता जी के दरबार यानी ऊपर की दुनिया में जाना है। तो अपने हम जो हमें कार्य मिला है उसे हम अच्छे से कर लें, यही माता जी से हमारी प्रार्थना है। ये देखिए ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, और अब हम फिर वापस रिटर्न नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ट्रेन में हम रिटर्न बैठ गए हैं। दर्शन भी अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम अपने घर जा रहे हैं।